महात्मा की आनंद पूर्ण चित्ती के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार, यदि हमें निश्चय हो जाएगा कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुरु, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी व बड़ा धर्मात्मा है, वह हमारे आनंद का एक हिस्सा होगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसके सामने देख आदर से सिर नवाएंगे। इसी प्रकार का स्वाद न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहें, उसकी गलती से प्रसन्न होंगे और अपनी आनंद पद्धति में व्याघात पहुँचने के कारण उसकी निंदा न करें। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को प्राप्त है। यही थी शुभकामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर इतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रोग मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं। तो प्रेम और प्रेम का कारण पर श्रद्धा ऐसी नहीं है किसी की सुंदर आंख या नाक देख कर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही फर्क है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि मनुष्य उसकी बात से बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र। श्रद्धा का व्यापार स्थल स्थित है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही ये चीजेंगे, परस्पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों हजारों लाखों का करोड़ों मिल सकते हैं। बच्चे उसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता है और जिनमें मनुष्य समाज की स्थिति है। बढ़कर कर्म का स्मारक कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार आप कर्मों से कर्तव्यों की स्थिति और जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है इस पर मुक्त होकर के पानी कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्तव्य अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सदृष्टियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। इस समाज में किसी योजमान शक्ति केंद्र का उदय होता है। इस समाज में इन भीम हृदयों भावनाएं एक दूसरे को समझ कर तथा एक हो और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर इतनी खंडी हो जाती है। उनकी कथा सिग्नल पर और मोटर की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दिन और क्लोज हो जाते हमारे अंतकरण में प्रिय के आदर का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से नहीं हो सकता है। बस अपने के आदर्श के साथ
फैलाए हुए गर्म तत्वों के आदान से होता है। क्रिया का चिंतन हम हाथ मोड़े हुए संसार को खुलाकर करते हैं, पर सर्वे का चिंतन हम हाथ मोड़े हुए संसार का चिंतन सामने रखकर। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्ष। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं, पर श्रद्धालु और सत्य के बीच कोई वस्तु। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना सुना कठिन रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंद आचरण भाव प्रेम या श्रद्धा। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुंदर बचा, और हमारे बीच में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुदृढ़ भाव उत्पन्न हुआ, तो क्योंकि यह काव्य या चित्र मध्यस्थता द्वारा प्राप्त। प्रेम का कारण बहुत अंतर्दृष्ट और अज्ञात, पर श्रद्धा का कारण दृष्ट और ज्ञात। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते दो कानों में प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, एक बराबर साथ रहे का साथ कभी न। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। वह उसका उठना बैठना चलना पीना सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार के बहुत से लोग उठते बैठते चलते पर सबका उठना बैठना चलना पीना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन में मिलाकर एक ज्यादा संचार करता, वह दोनों से एक करना चाहता है। सारांश है, श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर है, सत्य कर्मों की है और स्थिति में उसके कर्मों आदि पर आधार। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को एक के कर्म प्रधान दूसरी को किसी के रूप को स्वयं देख कर अब तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से उनका चट हमारा प्रेम नहीं पर पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोग के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता। बात क्या है, प्रेम इस मात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर करता है। श्रद्धा सामाजिक विशेषता के कारण होकर रूप भावना का बहुत संबंध व्यक्तिगत, अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि का व्यक्ति आया इस व्यापार में सामाजिकता आप, क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि इस रूप से एक दूसरे व्यक्ति आदर प्राप्त मिला और हमें भी मिल सकता। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे, तब तक हम एक प्रकार के लोग अथवा दिखने वाले या कदरदान ही कहलाएंगे। जब हम उसके दर्शन के लिए आपको उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहे, तब प्रेम का सुप्रभात बन जाता है। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धा बाण अपना किसी प्रकार का विकार नहीं था, और प्रेमी प्रिय के उदय पर अपना विकार। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, जिससे अपनी श्रद्धा के सत्य में हम श्रद्धे से अपने लिए बात। श्रद्धा कारण करते हुए
हम अपने को समाज समझते हैं, इसके हल पहुंचाया जैसे उनके अंतर्गत नदी में दान घुसकर उसने कोई चीज प्रभाव डाला। सरदार स्वयं ऐसे कर्मों के स्वीकार हुए जिसका सुख प्रभाव आपके यहाँ पर नहीं करके सारे समाज पर सकता है। सरदार एक ऐसी आनंदपूर्ण विचक्षणता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि संकट पर सदाचार पर सरकार और अत्याचार पर क्रोध या घृणा संकट करने के लिए समाज के प्रत्येक को प्रतिनिधित्व प्रदान कर यह काम उसने जितना भारी समझा है उसका भार सारे सूत्र को काट दो चार पर को एक चीज पर नहीं छोड़ता है कि समाज में सदाचार सदा अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए इतने अधिक लोग सफल पाए जाएंगे। समाज जागृत सकता है श्रद्धा सामाजिक विशेषता एक ऐसी बात से सबक सीखते जिस पर हम श्रद्धा रखते जिस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखते जिस पर हमारा प्रेम होता है से और बस चाहते प्रेम करके अपने आप संसार को समित करना चाहता है पर जब तक समझ की नीति अपने संसार के लक्ष्य का भोग नहीं होता और हमारे अंतःकरण की सामान्य अगर स्थापना नहीं होती तब तक हमें श्रद्धा का भाव नहीं बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का आने वाले भी त्योहार के लिए के साथ अपने साथ या किसी विशेष समिति के साथ जाने वाले व्यवहार को भी बताओ उपकार करते हुए यदि हम कहें कि उस पर हमारे श्रद्धा हो गई यह हमारा पाप हम खुद को अपने को ऐसे भाव का पालन कर सकते और ऐसे आदमियों के पास जब हम बात करते सीखे कि हम जानते तक नहीं और इस प्रकार हमारे देश से सामान्य हो जाए आगे जा सकती आपका अनुमान के कारण जिन्हें अपनी कड़ाई के अनुभव की लत लग गई है उनकी भी सफाई नहीं सुबह करता ऐसे सभी प्रभाव को आरंभ
पानी से भरती एक सतह होती है वह भी कागज का
cho tôi ăn không? Và
Hãy
Not out of that.